अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जा भाई! छटके वही रुक जाओ तुम लौट आई ना वापस बिना अपने बेटे को साथ लिए उस पित्ती भर की लड़की के आगे हार मान के चली आई ना तुम अपने बेटे को उसके हवाले करके आ गई प्लीज आप जी हमें सच बताइए बोला ना अपनी जबान बंद रखा करो भूल गई कैसे सही किया था तुमको हम तुम्हारी जान ले लेंगे हम बता रहे हैं भूल हुई हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो अपने घर वालों को आपकी सच्चाई नहीं बता पाई लेकिन अब याद रखिए आपकी सच्चाई पूरे घर वालों को बताऊंगी चाहे इसकी वजह मुझे मरना ही क्यों ना पड़े आरती हमने आगाह किया था छुटकी तुमको कि अगर इस घर में अपने बेटों को लिए बिना तुम वापस आई आगा हम इस घर का नाश होते हुए अब नहीं देख सकेंगे इसलिए उससे पहले हम पसंद करेंगे हम अपने आप को आग के हवाले करते हैं क्या कर रही है छोड़ दीजिए भाभी बस भी कीजिए क्या कर रही हैं आप ऐसा गलत कदम क्यों उठाना चाहती हो और अपने आप को खत्म करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता इसको कैसे भी रोकना होगा सॉरी भैया क्या बात है सौरभ इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो भैया भैया वो आरती दी गिर गई है सीढ़ियों से क्या किया तूने आरती के साथ बोल तुम ठीक हो ना बिटिया गिरी कैसे छोटू मामा सौरभ जी दामाद जी का दामाद जी अरे बता दई का अंशुमन बोलो आरती क्या किया इसने तुम्हारे साथ अंशुमन भैया चूल्हे में बारूद सौरभ जी ने ही रखा था आज तो हमारा भी राम नाम सत्य होगा तो चूल्हे में बारूद तूने डाला था और गौशाला में सुमन के लिए सांप भी इसी ने छोड़ा होगा है ना हाँ हमने क्या ये सब क्योंकि क्योंकि नफरत करता हम सुमन से ये हमेशा हमको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही अंशुमन भाइयों को इसने हमारे खिलाफ भड़काया जिस कारण हमारे अंदर इसके लिए नफरत बढ़ती गई और उसी नफरत के कारण हम ऐसे बन गए हाय रे विधाता लड़की के कारण इस घर में और का देखना पड़ेगा हमको
अमाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नफरत इंसान को कभी कभी जानवर बना देता है। बस कीजिए बड़े मां, हर बार सुमन, हर बात में सुमन, इस जानवर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, और जिसका मन काला होता है उसे सब में सिर्फ बुराई नजर आती है। आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि इसने आरती के साथ क्या किया है? ये आदमी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जो अपने परिवार के खिलाफ इतनी घटिया सोच रखता है, जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। मन तो करता है इसका हाथ। अंशुमन भैया, चुप, बिल्कुल चुप। नफरत करती हूँ मैं आपसे। I hate you। आपके जैसा नीच इंसान अपनी दुनिया में नहीं देखा है। सौरभ जीजू का सच तो सबके सामने आ गया। हे माँ सीता, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम नंदन को भी सही रास्ते पर लाकर सुरभि माँ से किया हुआ अपना वादा पूरा कर सके। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।